जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ डेवलप इंडिया एक्सप्रेस में। दोस्तों, सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर रेलखंड के एक ऐसा स्टेशन है जहां पर बे टिकट यात्रा करने पर मजबूर है लोग, और यहां पर बिना टिकट लिए हुए यात्री यात्रा करते हैं जिससे उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों बताएंगे वो कौन से स्टेशन है। इससे पहले कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों यह रेलखंड सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर की है, जहाँ पर न्यू रूनी सैदपुर रेलवे स्टेशन नामक यहाँ से यात्रा करना लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। इस स्टेशन के यात्रियों को यात्रा टिकट मिलना बंद है, और बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री को बतौर जुर्माना अधिक रुपए देने पड़ रहे हैं। सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर रेलखंड पर न्यू रूनी सैदपुर रेलवे स्टेशन पर पिछले 7 वर्षों 10 जनवरी 2014 से 9 जुलाई 2021 तक टिकट कटता रहा, लेकिन जानकारी के अनुसार पूर्व में इसके लिए निविदा निकाली गई थी जिसमें अजय कुमार झा टिकट हॉल्ट अभिकर्ता के नाम से टिकट कटने के लिए जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद टिकट हॉल्ट अभिकर्ता अजय कुमार द्वारा अधिक मात्रा में यात्रा टिकट नहीं बिकने पर मार्च 2020 में ही अपने पद से इस्तीफा देने का आवेदन विभाग को दिया। इसी बीच समस्तीपुर रेल मंडल के न्यू रूनी सैदपुर स्टेशन के हॉल्ट अभिकर्ता के लिए 12 मार्च 2021 को आवेदन के लिए अधिसूचना जारी की गई, लेकिन अभी तक न्यू रूनी सैदपुर हॉल्ट पर टिकट के लिए वैकल्पिक कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण लोग बिना टिकट यात्रा करने को मजबूर है और जुर्माने का खामियाजा भुगतना पड़ता है। इस संबंध में पूछने पर समस्तीपुर रेल मंडल ने यह जानकारी दी है कि रेलवे स्टेशन पर टिकट के लिए निविदा निकाली गई थी जिसका कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। 23 जुलाई से उक्त रेलवे स्टेशन पर टिकट मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि न्यू रूनी सैदपुर पर भी 23 जुलाई से टिकट मिलना शुरू हो गया है। और इस तरह से 23 जुलाई से पहले तक यहाँ पर जितने भी यात्री यात्रा करते थे उनको खामियाजा भुगतना पड़ता था, या मुजफ्फरपुर जाने पर या फिर सीतामढ़ी जाने पर, लेकिन अब उनको ऐसा नहीं मिलेगा क्योंकि स्टेशन पर टिकट उपलब्ध हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह छोटी सी रिपोर्ट अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं आपसे फिर से किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।